जमा इसी चक्कर में तीन चक्कर का है ना, जमा जो है बोल बहुत ज्यादा करते हैं, शंकर जो है बोल बोलते करते हैं अभी भी नहीं शंकर जो है बोलते भी है करते भी है। शंकर ने क्या किया? कुछ किया क्या? याद करके तो सब कुछ करते हैं। याद करते तो ब्रह्मा नहीं याद करते नहीं करना है साकर में याद तो नहीं करता था ना ब्रह्मा वाला, मैंने वो पहचानते नहीं। अच्छा तो शंकर याद करते हैं? याद है तो सब कुछ नहीं करते ना। याद का रिजल्ट तुरंत मिलता है या देर में मिलता है? देर मिलता है तो जो है जो करते हैं जो जो कुछ बोलते ही नहीं करते दिक्कत है ना। बोलते ही नहीं बोलते मना प्रैक्टिकल करके दिक्कत है। एक्चुअली में अभी तीन सप्ताह के एक्सीडेंट भी आता है। अच्छा देव तीन प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। या अब्बल नंबर के अगर अस्तित्व में ब्रह्मा की क्वालिटी का डाल देंगे तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो अस्तित्वों में शरीर छोड़ने वाली क्वालिटी वाले हैं? नहीं है? नहीं नहीं। और विष्णु की क्वालिटी ऐसे हैं? नहीं अगर होंगे नहीं तो रुद्रमाला में चंद्रवंशियों का बीज कहाँ से आएगा? विनाश वाले तो अलग होंगे तो तीन मूर्तियों में भी ऐसे ही है ना, स्थापना पालना विनाश। विनाश कौन करता है? वो किस कहता करेंगे? हाँ मना तुम तो ब्रह्मा जी तो शंकर से बात करोगे ना, वो किस कहता करेंगे? विनाश शंकर करता है या क्षतिया करती है? क्षति होता है, विनाश होता है। तो ब्रह्मा किस कैटेगरी हुए? ब्रह्मा जिसके द्वारा अंत में पार्ट बजाएगा वो कौन होगा? क्षत्रियों में उसका नाम क्या है? जगदम्बा। वास्तव में जगदम्बा का पार्ट किसका है? ब्रह्मा का पार्ट। जगदम्बा तो पूजी जाती है, ब्रह्मा का पार्ट कहाँ से होगा? ब्रह्मा तो पूजा नहीं जाता। मना ब्रह्मा की ही सोल प्रवेश करके जगदम्बा का पाठ बजाती है, का भी अति का पाठ बजाती है और फिर विनाश का भी पाठ बोल बजाती है। ब्रह्मा दुर्गे हिसाब किताब पूरे होते हैं तो वो तो अलग हो गया। बाकी रहा विष्णु, विष्णु में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। लक्ष्मी के पाठधारी भी है, नारायण के पाठधारी भी है। नारायण के जो पाठधारी है वो रुद्रमाला के मन के, रुद्रमाला के मन को नारायणी का कोई भी संस्कार नहीं होगा क्या? नारायणी का संस्कार कोई में होगा या नहीं होगा? तो नारायणी का संस्कार होगा तो प्रैक्टिकल में कुछ पार्ट भी होगा। क्या है नारायणी का संस्कार? परिवर्तन और परिवर्तन और
पालना। तो जन्म में दो प्रकार के स्थापना वाले भी है और पालना वाले, बाकी विनाश करने वाले नहीं। बाबा महादेव है बाहर के लोग महादेव को अमोघ देवी कहते हैं, तो उनकी भी परिचर्चा में और लक्ष्मी के परिचर्चा में क्या अंतर है? सिर्फ लक्ष्मी सन्यासी है प्रवृत्ति में है। अरे लक्ष्मी इस समय सन्यासी का पार्ट बजा रही है या गृहस्थी में, तो वहाँ बात ही खत्म होगी। फिर भी क्या ये बात का पार्ट में उतना बचे नहीं आते हैं, लेकिन जब परिवर्तन शक्ति का पाठ शुरू होता है उतना बच्चों में कैसे आ रहा है, तो अंतर हो गया है। यहाँ स्थापना कौन सी हो रही है? प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही है, निवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही है। तो पक्की प्रवृत्ति बनेगी एक समान पुरुषार्थियों की, तभी सफलता होगी या पहले हो जाएगी? एक बहुत मोटा हो, एक वस्तु हो, छोटा हो, तो प्रवृत्ति बनेगी नहीं बनी? मुन्नी बहन, मुन्नी बहन का नाम आया है निर्मला सांसद जी है, योगी बहन होगी पर्दा भी मुन्नी नाम आया ना, तो अष्टदेव में मुन्नी नाम का भी एक है क्या? अष्टदेव में सारी दुनिया है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो अष्टदेव में लोग खास नाम आया ना बाबा। निर्मला कांता है बाबा, बेहद ही ऐसे ही मुन्नी नाम बताए ना। निर्मल कांता नाम ले भी बताया मैंने कैरी करके। निर्मल कांता शरीर छोड़ने वालों की लिस्ट में है या अष्टदेवों के आने वाले की लिस्ट में? शांत निर्मल निर्मल की होगा, ऐसे ही नंदी मुनि की होगी, क्यों नहीं होगी? दुनिया में जो कुछ भी है उसका छोटा रूप 108 में देखा जा सकता है, और 108 का भी छोटा रूप 8 में देखा जा सकता है, और उसका भी छोटा रूप 1 में देखा जा सकता है। तो प्रश्न कोई बात नहीं है कि नहीं होगी, होगी क्यों नहीं? अरे नाम बोला है, क्या बोला नाम? अनन्य और क्या शब्द बढ़ा दिया? नन्ही बुन्नी, जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं ऐसी होगी आश्चर्य में छोटा होगा। नन्हे मुन्ने बड़ा काम नहीं कर सकते? लेकिन उनके 8 में 8 के मुकाबले 8 वाला छोटा होता है। अच्छा, बाबा ने बोला अंत में ऐसे ऐसे बच्चे निकले जो बड़ों बड़ों को माफ कर देंगे, काम ऐसा काम करके देते हैं। क्या वायु होता है देखो क्या होता है, क्लियर नहीं किया बाबा। क्या क्लियर का नाम बताए वैसे ऐसे नहीं कहते, जैसे निर्मला शांता जी को, जैसे निर्मला शांता जी को उनका तो पार्ट डिक्लेयर कर दिया, अभी एक का ही अष्टदेव में दो का ही पार्ट डिक्लेयर हुआ है, तीसरे का नाम बता दिया क्या?
मन आश्चर्य में भी होगी बाबा एक बोली में वाक्य है 13 साल बच्ची की माँ बन करके अभी ऐसे ही है ये बाल है की दुनिया में कम से कम 13 साल बची हुई बच्चों को जन्म दिया है मगर वो टाइम अभी भी आ गया है अगर अष्टदेवों की ही बात है तो ये 13 साल तो हो रहे तो गीता पक्षलों को भक्ति लाभ में गीता मंदिर का गाय है इसे शक्ति भवन पांडव भवन मंदिर बने इधर शक्ति भवन पांडव भवन होते है ना इसका क्या है भक्ति मार्ग शक्ति भवन होता ही कहाँ है जो पांडव बोला है माता है माता है जहाँ है वहाँ माता है अपना संगठन करे उसका शक्ति भवन कहते हैं ना शक्ति भवन बना दो नहीं बाबा इसका याद कर क्या होता है जो पार्वती ने जो शंकर जी को जिस वन में बुलाया उस वन का नाम क्या रख दिया शक्ति उसमें शक्तियाँ ही शक्तियाँ थी या कोई पुरुष नहीं थे शक्तियाँ ही थी शास्त्र में देखे सर नाम लिखा होगा तो बता दिया अपनी बात को इतना बात है को हो गया होगा इसलिए नहीं किया समझ लीजिए कि बाबा अब हम आखिरी स्टेज पर है बड़ी जल्दी आ जाती है अरे टाइम हो गया होगा जल्दी भागना होता है बाबा कल तो इसमें सात महाराज का जन्म पिताओं का तेरह बिताता है ना कल तो सात नारायण का अच्छा सात नारायण होने वाली है वो सिर्फ पांच के रूप दिखाता है ना लेकिन दो को गुम कर दिया क्यों वो मुस्लिम धर्म का और मतपंथ आर्य समाज का कल उसमें चेहरा नहीं है चेहरा नहीं है चेहरा इब्राहिम बुद्ध जीसस और शंकराचार्य और मानव बाबा मुखिया है धर्मपिताओं का नाम हाँ धर्मपिताओं का चेहरा दिखाया मुसलमान को नहीं दिखाधर्मी नारायण नहीं होते हैं क्या अरे हाँ होता है जो भी नारायण होते हैं वो सब बेधर्मी होते हैं स्वधर्मी नहीं होते बतलाइए दो को घर में नहीं दी जाए नहीं दिखाया और जो त्रेता में राम सीता को और सत्युग में लक्ष्मी नारायण को दिखाया गया है राधा कृष्ण को दिखाया गया है वो कहाँ भूल गए सत्युग सीता की बात ही भूल गई
इतना याद दिलाया फिर भी बोले तीनों पार्ट एक ही में बजाते हैं ना, एक स्वरूप से बजाते हैं, रूप पर्सनालिटी एक ही है, लेकिन पहले बाप का पार्ट भी है, पहले टीचर का पार्ट नहीं है, पहले बाप का, फिर टीचर का पार्ट और अंत में सदगुरु का पार्ट। सदगुरु पार्ट बजाते हैं तब कैसे पता चलता है सदगुरु बुला रहे हैं? करते हैं ना, किससे बोलते हैं? बाप छोड़ देगा, टीचर भी रहम कर देगा, सदगुरु तो रहम नहीं करेगा। अभी समय बाबा ने बोला रशिया अफ्रीका में वैष्णव के लिए रशिया में रशिया में धर्म कौन सा है? तो वैष्णव देवी के साथ कौन है? देवी के साथ विष्णु देवता है कि नहीं है? वैष्णव को बनना है लक्ष्मी, विष्णु नारायण के रूप में, जो नारायण बनने वाली आत्मा है वो उस समय आस्तिक है या नास्तिक है? नास्तिक। क्या कौन से देश में? भारत इस समय पूरा नास्तिक है, तो जहाँ बाप होगा और जहाँ अम्मा होगी, तो अम्मा बाप ज्यादा सेवा करेंगे या बच्चे ज्यादा सेवा करेंगे? माँ बाप ज्यादा सेवा करेंगे, बाप बच्चों को बच्चे प्रत्यक्ष हो रहे हैं या बाप प्रत्यक्ष हो रहे हैं? प्रैक्टिकल में आगे नहीं बढ़ाते, प्रैक्टिकल में होगा तभी तो अभ्यक्तवाणी बोलेगी। अभ्यक्तवाणी कब बोलेगी? प्रैक्टिकल में होगा तो अभ्यक्तवाणी बोलेगी, प्रैक्टिकल में होगा ही नहीं तो अभ्यक्तवाणी बोलेगी कैसे? बच्चा है ना बाप जो अपने चरण से चेहरे से अपने को आगे प्रत्यक्ष करते हैं बच्चा है, तो बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं बच्चा है, रास्ते में उनको बाप प्रत्यक्ष करते हैं, किस तरीके से बाप इशारा देते हैं? देवताएं होंगे, देवताएं जितने भी होंगे देवताओं मुख्य देवताएं कौन है? कितने हैं? आप ही तो है, तो वो इशारे से समझ लेते हैं ये बात हमारे लिए कही गई और किसी के लिए बोली नहीं गई, तो जिनको ये डरता पक्का निश्चय पैदा हो जाएगा कि ये बात हमारे लिए है तो पुरुषार्थ भी तो वैसा करके दिखाएंगे। तो प्रैक्टिकल चलन से प्रत्यक्ष हो जाएगा,
बाबा नवरत्न है, चाप है जीरा, लास्ट है शुक्रा, वो नवग्रह में शनि को लागू होता है। कौन आज निकली तीर का पाठ होता है। आज तो देवता है, मेरा पहले भगवान वो शनि का पाठ बोल सकता है, शनि का पाठ गणेश शनि से ज्यादा खतरनाक राहु नहीं है, राहु को इस्लाम धर्म का और राहु को क्रिश्चियन धर्म का एसोसिएशन दिया है। तो हम बोल रहे हैं अभी कुछ क्लियर तो नहीं किया गया है, एक का क्लियर किया गया है ईश्वर कहते हैं, इंसान को भी अभी तो आप क्लियर होने वाले हैं। भक्ति मार्ग में शंकर जी को इष्ट लेकर दिखाते हैं, भक्ति मार्ग दिखाते हैं, ज्ञान मार्ग में क्या अंधे हो रहे बाबा बोली ने बताया है वास्तव में विष पीने वाला मैं हूँ, अगर शंकर विष पी रहा होता तो क्यों नहीं पिया। बाबा ये भी बोला है ना शंकर जाना तो सारे ही विष पीते रहे, उनका जन्म में तो कोई बनता ही नहीं है जो विषय विकारी का बनता हो, अभी पीने का तब पीने का फर्क है ये है कि अभी पीता है असर नहीं होता, अब तरीका जन्म में असर होता है हानि की करते है, रोजमर्रे की जीवन में भी देखा जाता है ब्राह्मणों में पुरुषार्थ करते करते कोई विषय विकारी बन जाता है अचानक, तो बुद्धि में से सारा ज्ञान उड़ जाता है, पुरुषार्थ ठप हो जाता है, पांचवी मार्ग में नीचे गिर जाता है, अनुभव करता है ना, लेकिन वो जो पार्ट होगा उसके लिए ऐसा देखने में नहीं आता, तो क्या था कि हुआ था शंकर है या शिव है, उसमें जो कार्य करने वाली शक्ति है वो शंकर की आत्मा है या शिव की आत्मा है, शिव की आत्मा है। बच्चों अमृत जो विष्काय को पीते हैं, तो बच्चों में बच्चा शंकर नहीं है क्या, बोलने वाला कौन है, शिव है बोलने वाला, शिव ही तो पूछता है अमृत मिल रहा है तो अमृत को छोड़ करके विष क्यों पीते हो, शिव की पीते हैं 500-600 करोड़ बच्चों में कोई ऐसे हैं जो अभी विष नहीं पी रहे हैं, दृष्टि का वृत्ति का कर्मेंद्रियों का विविचारी नहीं बन रहे हैं ऐसे कोई बच्चे हैं, है? परसेंटेज है बाबा, जिनका बुद्धि पवित्र पवित्र बुद्धि होता है उनमें ज्ञान कह रहे हैं, एक तरह बोला है रावण भी प्रखंड विद्वान था, इन दोनों में अंतर क्या है, प्रखंड विद्वान तो था लेकिन कर्मों में अलग बात है, एक होता है सुनना एक होता है समझ लेना जान लेना और दूसरा होता है तीसरा प्रैक्टिकल कर्म मिला, तो प्रैक्टिकल कर्मों में था ज्ञान, प्रैक्टिकल कर्म तो चोरी चकारी की है, थ्योरी नहीं है तो यही तो दुनिया के प्रकार के विद्वान होते हैं,
बाबा सूर्यवंशी में बारह गण है, बारह पहले आठ है अष्टदेव और चार है नष्टदेव, वो भी विनाश कर रहे हैं सो उसको भी शक्तियाँ दान सकते हैं, उसको भी शक्तियाँ दान सकते हैं। आत्मा तो शक्ति स्वरूप है, जरूर उन्होंने सारो ब्रह्मा को दिया होगा। ब्रह्मा की आत्मा ही जो विनाशकारी है, शक्ति का पार्ट बजाती है, प्रमुख शक्ति का पार्ट बजाती है, तो ब्रह्मा को जो भी फॉलो करने वाले हैं वो सब क्या हुए? विनाशकारी हुए। बाबा ब्रह्मा बाबा को बच्चों पर ज्यादा मोह था ना, लेकिन अपने बच्चे उनको गेट आउट कर दिया ना, अपने बच्चे उनको दो बच्चे थे उनको गेट आउट कुछ भी नहीं दिया, गेट आउट कर दिया। तो दादा ना लेखराज ने किया या ब्रह्मा ने किया? ये काम किसने किया? दादा लेखराज ने किया, ब्रह्मा दादा लेखराज ने थोड़ी किया। इसका नाम ब्रह्मा पड़ा, ब्रह्मा नाम कब पड़ता है? प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्म है, तो उसने ही काम किया। दादा लेखराज ने किया होता तो अपने बच्चों को नहीं निकालता। साफ ठीक कर तो नहीं करते हैं क्योंकि देखते हैं बच्चे बच्चे लाए थे। ये कैसे मालूम स्वीकार नहीं करते? स्वीकार नहीं करते भी आज की महिमा क्यों कर रहे हैं? सभी को स्वीकार नहीं करते। ओह पता कैसे चले किसको स्वीकार किया किसको नहीं किया? सोचो सोचते रहो। अभी जो न्यू वर्ल्ड में है न्यू वर्ल्ड में है उसको स्वीकार किया है। न्यू वर्ल्ड में कौन है यही पता नहीं है? जो भी है उस सबको स्वीकार किया है। हाँ तो न्यू वर्ल्ड में कौन नहीं है जिसको स्वीकार नहीं किया है? मैंने उनकी निश्चय पत्र में साइन किया है बाबा। हाँ स्वीकार कर लिए। उन्होंने तो किसी को निश्चय साइन नहीं किया, किसी ने साइन नहीं किया बाबा का। मम्मी ने फिर भी साइन किया हुआ है। बाबा ने तो कोई भी निश्चय पत्र में साइन नहीं, ना सरेंडर लेटर पर ना निश्चय पत्र में। हाँ तो साइन करेंगे करता है मैंने किसको स्वीकार किया है बाबा ने? स्वीकार किया मैंने जिसका साइन करते वो स्वीकार हो गया। कागज साइन करने स्वीकार हो जाएगा? नहीं बाबा अभी जैसे स्वीकार किया है ना बाबा, जो लाए थे नक्शे मोनी परसेंटेज में बने हैं उनको ही नई दुनिया में भेजे है ना, मैंने उसको जिनसे स्वीकार किया होगा ना। स्वीकार किया है उनको सलून भेजेंगे माला में भेजेंगे या संगठन बनाने के उसमें भेजेंगे माला बन गई पचास की जिसको ये एनएस कहते हैं नया संगठन कह रहे हैं वो माला है क्या उनको अलग कर रहा है ना उनको? वो तो इसलिए कर रहा है कि जब एक चुनाव होता है तो लोग देखते हैं इसमें क्या क्वालिटी की उनको उठाया गया है कि हम भी बने माला में नहीं आता तो वो खराब पड़ता है कि हम भी ऐसा करके दिखाए, नहीं तो अलवेले बन के ऊपर भी चलते रहते हैं। तो मालूम है बोला है ना तीन जयपुर जो है जोधपुर मना उनको उनसे भी आगे लिस्ट बढ़ गई हो उस समय की बात बताई जिस समय बात बोली गई कि तीन युद्ध की स्टेज में है और दो जयपुर की स्टेज में है, वो तो है ही
अभी जब दो क्लियर हो गए तो जयपुर हो गया ना, जोधपुर भी अभी टाइम जयपुर भी हो सकता है, हो सकता भी है नहीं भी हो सकता है। दूसरे कौन से दे सकते हैं? तो जयपुर हो गया तो हो गया, मना कहा, कोई मना कर सकता है क्या? ब्राह्मण होगा, ब्रह्मा की बात मानता होगा तो ना क्यों करेगा? हाँ है, युद्धपुर है तो युद्ध करने के लिए स्टेज में होगा, अभी चल रही है, कुछ अंदर में हो तो निकालो, अपना वोट दे दो बाप का, वो पाइप लिए रखो। कैसे पहचाना बाबा इसी करके बाबा जी कर किया है नहीं किया है, कैसे पहचाना? पहले वो अपने को खुद पहचानेगा कि दूसरे पहचानेगा? और फिर उसके जो नजदीक होंगे वो पहले पहचानेंगे या दूसरे कोई पहचान लेंगे? नजदीक रहे होंगे वो पहले पहचान, दूसरे बुद्धि बाद में आए। किसी आदमी को समझना होता है तो उसके नजदीक रहने से ही उसका समझा जा सकता है कि आदमी कह पाए। आत्मा में नजदीक रहने के संस्कार ज्यादा से ज्यादा रहे होंगे वो पहले पहचान लेंगे। अभी तो क्रिश्चियन क्या हो सकता है, कैसे होगा? कागज पर ही थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल एक्ट से देखा जाएगा कौन सरेंडर है कौन नॉन सरेंडर है, सेवा के हिसाब से देखा जाएगा, स्वार्थ और परमार्थ के हिसाब से देखा जाएगा, और कितना स्वार्थ में लगा रहा है ज्ञान में आने के बाद, और कितने अपने रथ को अनजान बना दिए, देह नहीं कहते ना, संबंधी संबंधी नहीं, बाप बाप नहीं, पति पति नहीं, बच्चा बच्चा नहीं, ऐसे ये देह देह नहीं, तो प्रैक्टिकल जीवन में देखने में तो आएगा, हिस्ट्री जब देखी जाएगी देखने में आएगा कौन स्वार्थी बन करके रहे हैं और कौन कितने परमार्थी बन करके रहे हैं। आकाश मुनि गाड़ी कर शरीर छोड़ने के बाद दिल्ली में कई बच्चियाँ जागर छोड़ा है, तो क्या ऐसा समझ सकता है दिगंबर का क्लीन क्लीन करने का काम शुरू हो गया है? तो बोल दिया ना संदेश में, प्रगति ने हाथ मिला लिया, जब हाथ मिला लिया तो रिजल्ट आएगा कि नहीं? हाथ मिलाते ही रिजल्ट आना शुरू हो गया। पहले नजदीक वालों को उनका असर पड़ता है, पहले कौन बात मानेगा? जो ज्यादा नजदीक होगा वो पहले मानेगा या दूर वाले पहले मानेंगे? तो सूर्य इस समय नास्तिक का पाठ बजा रहा है क्या या आस्तिक का पाठ बजा रहा है? जो नास्तिक का पाठ बजा रहा है तो चंद्रमा से नास्तिक धर्म सबसे दूर हो गया या नजदीक है? सबसे दूर हो गया।
वो थोड़ी नजदीक आए तरीके से विक्रम बहुत सूर्य के नजदीक है सूर्य से बहुत नजदीक है वो भी के प्रभाव में आकर के तो वो भी नास्तिक का पास बता देते हैं जाता है ना अरे आप तो निकलते ही आई समझ से बहुत दिनों से प्रकृति का प्रभाव किस प्रकार से शरीर के हिसाब से प्रकृति माना पांच तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इनसे बनता है देह तो देह का भान जिनमें ज्यादा होगा वो ही प्रकृति के नजदीक होंगे और देह का भान कम से कम होगा तो किसके नजदीक होंगे सूर्य के नजदीक होंगे ज्यादा देहवान होता है उतना सीमत पर नहीं चलने देता है अक्षत्रियों की पहली चित्त है जो पहला हमारा परीक्षा का तत्व है जी ये परीक्षा भी है और रिजल्ट भी सामने आ रहा है पक्षपात नहीं करते बताए पक्षपात करते हैं जो अगर पक्षपात नहीं करते हैं तो आठ में कैसे आ जाते हैं आठ जो आठ धर्म है मुख्य है उनके पूर्वज क्यों कहे गए कोई दूसरे का भी पूर्वज बन जाते अरे वो अपने अपने ग्रुप के पूर्वज है या सबके पूर्वज है सबका पूर्वज तो एक है और बाकी अपने अपने ग्रुप के पूर्वज तभी तो लास्ट जन्म में उसी ग्रुप में जाके गिरते हैं ज्यादा देहवान बढ़ता है तभी तो वहां जाते हैं नहीं तो दूसरे चले जाते दूसरे ग्रुप में क्यों नहीं चले जाते देह का संबंध खींच लेता है अपनी ग्रुप को जोड़ करके सबको पक्षपात करते हैं तो साबित ही होता है कि जब तक संपन्न नहीं बनेंगे जब तक पुरुषार्थी जीवन है तब तक कुछ न कुछ कमी बेसी रहेगी और वो कमी बेसी रहेगी भी तब तक जब तक बाप के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ा है अपने को निमित्त मात्र नहीं बनाया है जो जो पुरुषार्थ की अंतिम सीढ़ी चढ़ते जाएंगे माया भी तो उतना विकराल रूप धारण करेगी कि नहीं करेगी तो जो कभी कमजोरी सबसे जागती अड़चन डाल रही है उसी सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष करेगी बाबा इकसठ में बोला है जो शरीर चौथी चौथे है वो चौरासी जन्म कैसे लेता है इससे बोला है ना ब्रह्मा चौरासी जन्म लेता है नहीं कौन लेता है इसीलिए कैसे लागू होता है काम कुछ कम लेता है पूरे चौरासी जन्म नहीं लेता है हमारी आत्मा के मुकाबले कृष्ण के चौरासी जन्मों में कुछ अंतर पड़ जाते हैं राम वाली आत्मा त्रेता में जाके तेरह बारह जन्म लेगी और कृष्ण वाली आत्मा तेरह तो उम्र कम हो गई ना जो भी साढ़े चार लाख में ये शरीर छोटा वाला है उनसे भी ऐसे ही होगा कभी ऐसे ही होगा मैंने अभी जो जोधपुर में बोला है ना उनको ज्यादा परीक्षा आ रहा होगा युद्ध करते हैं तो युद्ध भी तो एक परीक्षा ही है ना आप ही छोटी जब
तैरने समय जा रहा उनको जो संस्कार है वो सभी बाहर है, हमारा जो विघ्न ज्यादा है आने चाहिए ना, किसी को रोज सन्मुख क्लास मिल रहा है बताया ना, तो आचार्य बाबा ने बताया आचार्य को तो अभी सन्मुख क्लास नहीं मिल रही है, दृष्टि नहीं मिल रही, तीसरे नेत्र से दृष्टि मिल रही है बताया, अभी किसको रोज सन्मुख क्लास मिल रही है वो कौन है? रोज सन्मुख तो वो सुनते हैं तो बाबू के साथ रहते हैं जो अव्यक्त होने अव्यक्त हो करके प्राप्ति करने वाले ज्यादा श्रेष्ठ है या व्यक्त में ही ज्यादा लेने वाले ज्यादा श्रेष्ठ है? कोई तो आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अव्यक्त होते हुए भी सन्मुख का अनुभव करे तभी तो अव्यक्त का फायदा है, नहीं तो फायदा क्या हुआ? प्रैक्टिकल बात माना नारायणी जैसा कोई चीज ही नहीं, शराब शराबी शराब पी लेता है तो बोतल में अपनी महबूबा नजर आती है तो मस्त रहता है, प्रैक्टिकल नहीं है वो, प्रैक्टिकल नहीं है ना, तो नारायण जी मैं भी जाता हूँ क्या वो तो आलो काम का शराब हो जाता है। सहज मिले तो सहज सहज मिलेगा, सहज सहज दिया होगा तो सहज सहज मिलेगा, दूसरों को भीख मांग मांग के दिया होगा तो सहज मिल जाएगा, भीख मांगने से भी नहीं दिया होगा फिर वो बेचारे भूख मर रहे हो जबरदस्ती ले लिया होगा तो कैसे सहज सहज मिलेगा? इंटीग्रल के लिए तो कौन समाज में हो सकता है? इसलिए खदाबी बाबा से प्रश्न पूछ करके किन किन के जवाब बाबा तो खुद ही कहते हैं अंदर हो तो बाहर निकालो कचरा, ये तो बाबा तो डायरेक्शन दे रहे हैं, ये खींच के लेना है या सहज लेना होगा? सहज लेना होता है। प्रश्न तो ऐसे है जैसे जलाते हैं सागर जलाते हैं भरा हुआ है और उसमें कोई कंकड़ डाल दी कंकड़ी गिरेगी तभी तो लहरें उठेंगी, तो जलाते नहीं है वो तो सागर है बाबा, किसी की भी रिपोर्ट कागज का लिख के नहीं बताते तो हर एक अपनी पार्ट को आप ही प्रत्यक्ष करते हैं। कोई ने बोल अगर कोई ने बोलते है हमें बाबा ने बताया है हमें सूर्य उनकी बारे में है तो जो की बात है ना बुद्धिहीन होंगे कोई विश्वास कर लेंगे बुद्धिमान बात के बुद्धिमान बच्चे थे किसी के कहने से मानने वाले है तो ज्ञान में ज्ञान में निकलते हैं तो उनको तो ज्ञानी नहीं होते तो वो जिसको ज्ञानी समझते हैं उनकी बात मानेगा ही, उसकी बात मान लेते हैं ना। यहाँ तो शुरुआत से ही बताते हैं कि मनुष्य ने तो दुर्गति की है और सदगति करने वाला एक ही है, जब से ज्ञान में आते हैं तब से ये बात पढ़ाई जाती है क्या कि सारी दुनिया ने दुर्गति की है और एक शिव बाबा वो ही सदगति करने वाले बाकी सब दुर्गति करने वाले, फिर इतने होने के बावजूद भी हर वो जीतों के पीछे चल पड़े तो क्या कारण है? लिस्ट में नहीं आने वाले होंगे तो नहीं आएंगे। कोई नहीं किसी के सामने ओम शांति नहीं बोलते
मेरी आत्मा एक बार मिला उनके सामने प्रतिष्ठ हो गई, ओम शांति बोल दिया, इसको मतलब क्या है? उनके सामने ओम शांति बोलते नहीं, बोलते नहीं, और कोई एक के सामने ओम शांति निकल पड़ा, निकल पड़ा शांति के वाइब्रेशन उसके साथ ज्यादा मिलते जुलते। ऐसे तो ओम शांति मुंह से बोलना भी बेकार है। क्या आप मिले अगस्ती से ही मिलने से पता लग जाता है क्या के अंदर क्या भरा हुआ है? शांति है या अशांति? अगर अशांति होगी तो आपके यहाँ से मिलती ही नहीं। मैंने उसके साथ हिम्मत हो गई, इसका मतलब उनकी फॉलोअर है। फॉलोअर क्यों है? उसको बच्चा भी तो बना सकता है। नजदीक आने की बात है, उनको नजदीक समझा जाता है, उनको नजदीक नहीं समझा जाता है। ये दो लाख का शालीग्राम बनाते हैं, शालीग्राम लाख दो लाख शालीग्राम बनाते हैं। मना सिर्फ ये 4.5 लाख में है, सिर्फ 1 लाख ही वो शरीर से रह करते कंटे का या बनेगी, बाकी सब पहले बनेगी, पहले बनेगी, बाद में बाकी लोगों की बाद में बनेगी, बाद में बनेगी, बट लेकिन वो शरीर छोड़ सकता है, हो भी सकता है शरीर छोड़, भक्ति के संस्कार रहे होंगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मना एक सिर्फ 1 लाख ही उतना उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। लाख दो लाख बनाते हैं, सुबह को बनाते हैं मना, शाम को आज में बनाते हैं और शाम को शाम को मना द्वापर चलेगा, शाम को मना द्वापर चलेगा, शाम मना जब सूर्य डूबता है। कोई कोई क्यों आप नहीं कभी चल जाते हैं, कभी ऊंची स्टेज में चल जाते हैं, कभी चलने पर भी ऊंची स्टेज में नहीं चल पाते हैं। सेम जन्म कर्म किए, कभी अच्छे कर्म किए, कभी खराब कर्म, कभी बहुत अच्छे कर्म किए, कभी रील घूम रही कि नहीं, तो रील में जब अच्छे कर्म उदय होते हैं तो हम नहीं पुरुषार्थ करते हैं तो भी अवस्था मुक्ति कर जाती, वो अच्छे कर्म हमको क्या कारण मिलते हैं, तो बहुत खराब कर्म किए, वो रील घूमती है तो कितनी भी मेहनत करो, कितना भी दूसरों से सहयोग लो, कितना भी अच्छा संघ में चले जाओ तो भी अवस्था नहीं क्या जाती है। अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म करने के लिए तो शक्ति होती है, जिस स्पीड से अच्छे कर्म किए होंगे उसी स्पीड से अवस्था ऊंची उठेगी। गिरने वाले कोई बहुत नीचे तेज स्पीड से नीचे गिर जाते हैं। नहीं वो मिसाल बढ़िया नहीं है, इब्राहिम का आधार वो कितने वर्ष में नीचे गिर जाता है, ढाई हजार वर्ष में सबसे पहले नीचे
वो ठीक है। फाउंडेशन कहाँ पर नीचे आएगा संगम में, मुरली में तो बताया नहीं कि आप लड़ाओ, लेकिन तिरसठ जन्मों के व्यभिचारी संस्कार है तो ब्राह्मण बनने पर भी मजबूर हो जाते। संस्कार पक्के हो गए तो द्वापर के आगे चिंता शुरू कर दिया। तो वही चंपकार उनका पास ही चंपकार हो सकते हैं। चलो आदि ने बाबा को तीन मिनट की प्रत्यक्ष किया आदि में नष्टदेव प्रत्यक्ष किया, अंत में भी वही प्रत्यक्ष करेंगे। पूरा प्रत्यक्ष किया अधूरा प्रत्यक्ष किया, अधूरा समझा होगा तो अधूरा प्रत्यक्ष किया होगा। अष्टदेव पूरा प्रत्यक्ष करेंगे ना, पूरा समझेंगे तो पूरा प्रत्यक्ष करेंगे। समझा होगा उतना प्रत्यक्ष करेंगे, जितने ज्यादा गहराई से समझा होगा वो अंत तक सहयोग निभाएगा या पहले ही छोड़ जाएगा। अंत तक सहयोग निभाएगा ऐसे प्रत्यक्ष करेंगे। किसी किसी को जो मुरली में बात आने के पहले ही किसी को टच होगी और बाबा आने से पहले उनको टच होगी, बाबा आ रही है ये एक्सीडेंट के लिए सबके लिए ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि में बात पहले से ही आ जाती है। यहाँ की तो बात छोड़ो, मुरली जब ब्रह्मा बाबा मुरली ब्रह्मा बाबा की मुरली करती थी उस समय भी ब्रह्मा बाबा की जो मुरली करती थी उस मुरली सुनते समय देवदत्त नारी में होते हुए भी उनको संकल्प पहले आ जाते मुरली ये बात आने वाली है। के जितना नजदीक रहे होंगे तिरसठ जन्म होंगे उतना वो नजदीकी से उनके अंदर संकल्प से भी उनका साम्यता रही होगी। या जिस जन्म में नजदीक ज्यादा रहे होंगे वो आत्मा किसी जन्म में ज्यादा नजदीक रही और किसी जन्म में ज्यादा दूर होगी। तो जिस जन्म में ज्यादा नजदीक रहे हैं उनको वो रील में वो नजदीकी संकल्प ज्यादा है। बाबा अष्टादेव में और अष्टावस्था में क्या सभी नेचुरल होते हैं या कपूर में भी आ सकते हैं? ये तो कपिल में भी बहुत से ऐसे हैं जो बैचलर वालों से ज्यादा प्योरिटी धारण करते हैं और इसके अलावा और बैचलर में बहुत से ऐसे हैं जो जितने इम्प्योरिटी गृहस्थी नहीं धारण करते हैं उससे ज्यादा इम्प्योर बन जाते हैं। ये कोई बात नहीं अष्टदेव में जो सन्यास धर्म में कनेक्टेड होगा वो सन्यासी जो निरुक्ति मार्ग में रहता है ना, माना जो आखिरी जन्म में वो
उनकी वो ये बात प्रैक्टिकल में देखने में आ रही थी नजर जो भी कर्म का होगा जिस रूप का जो संस्कार होगा जो संस्कार यहाँ संगम युग में पक्का पड़ गया होगा वो अंतिम दिन में भी देखने में आएगा। माना वो अवृत्ति में नहीं रहेगी, अवृत्ति में नहीं रहेगी। आखिरी जन्म में जो संन्यास धर्म का होगा वो प्रवृत्ति में रहेगा कि सन्यासी में कर्म हो जाएगा। अष्टदेव अष्टदेवों की लिस्ट में जो ऐसा अष्टदेव है जो संन्यास धर्म का बीज है वो आखिरी जन्म में सिद्ध धर्म की कर्म हो जाएगा, सन्यास धर्म हो जाएगा। तो वो अग्नि का पाद भी बजा सकता है। बिल्कुल जान सकता है। ठीक है बाबा वो ठीक है बाबा वो मना अभी जो दावक तुलसी मार्ग वालों को ही राज्य सिखाते हैं ना, जो ज्यादा राज्य सिखाने वाले हैं आश्चर्य है मना जो राज्यों के बच्चे है प्रवृत्ति में रहकर के राज्य सीखते है ना, मतलब जो आखिरी जन्म में वो जो संन्यास में अरे आखिरी जन्म में गए लेकिन बासठ जन्म के संस्कार कौन से रहे तो यहाँ संगम युग में बासठ जन्म के हिसाब से बाप के साथ प्रवृत्ति में रह करके पुरुषार्थ करेंगे या निवृत्ति का ज्यादा बढ़ जाएगा उधर प्रवृत्ति का ज्यादा मात्रा बढ़ेगा। बाबा बताया है जो असल आखिरी जन्म में नीचे दिखते हैं वो 36 के पहले जब बापा बाप सृष्टि पर नहीं आते उसके पहले जन्मों में गिरा है ऐसा बताए जब बाप आते हैं तो आठों दशा उनसे उनके चिंतन ही करके यज्ञ में आते हैं ना, बाद में 2-3 जन्म भी लेते हैं मना 2-3 दिन में लेते हैं ना, तो जो दो जो 2-3 जन्म लिया है तो आखिरी जन्म में वो आठो दिशाओं से ही आना ऐसा कोई बात नहीं है, तो आखिरी जन्म में भी आठो दिशाओं से उनको चैतन्य करते हैं, आठो दशाओं से होगा चैतन्य करते हैं, सिलेक्ट करते हैं ना उनको। ठीक है, कौन कौन है जानता है ना, तो बाप आने के पहले वो गिरा है मना चिंतन कर लिया है कि क्या तुम्हारी दृष्टि में बाप कब आया 76 से मना बाबा जो ओ 76 बदल देते हैं बाबा देखते बाबा बाप के सामने रहते है ना तब ऐसा गड़बड़ होता है, गड़बड़ होता है सच्चा होता है अंदर का बाहर निकल आता है ना कंफ्यूज तो होते है ना बाबा के बाबा तो बाबा के सामने आए तो कोई भी भूल जाते हैं बाबा तो खींच खींच करके बाहर लाना है तब ऐसा हो जाता है ना। तो अभी आखिरी जन्म के हिसाब से रहना है ऑटो रिक्शा से उनको चिंता नहीं करते है ना बाबा, अभी जो 2 मन का डिक्लेयर हुआ है पहला मन का जो है वो यूपी से ही उत्तर भारत से आया है ना बाबा, उत्तर भारत से उत्तर की दिशा से दिखा है ना ईशान्य कोण से, ऐसे ही दूसरा कौन सा है उत्तर भारत की ईशान कोण है ईशान को उत्तर भारत हो या यूपी ईशान को तो नहीं एकदम उत्तर भी नहीं उत्तर पूर्व का कौन है मना
मैंने वो भी यूपी का है, ये भी बताए है जो तीसरा मन का है मना वो काशी 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 में खाजी है, काशी में खाजी है, खाजी से निकलते है बोला है, खाजी ने ये बताया है क्या खाजी काजी काजी तो जज को कहा जाता है, काजी कहा जाता है न्यायाधीश को, मैंने वो भी यूपी से निकले, वो भी यूपी से का वो ही यूपी से निकला, वही यूपी से निकला है ना, ऐसे ईशान कौन से तो जिसको दिखाया गया है वो तो उत्तर और पूर्व दो दिशाओं के बीच से निकला, ये आदि की बात हुई। अभी जो ईशान धर्म का जो कनेक्टर है और दक्षिण भारत से निकलते हैं, दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से निकलते नहीं है, दक्षिण भारत में सेवा करते हैं, सेवा का रिजल्ट निकालते हैं दक्षिण भारत से, मना उनका है मना ओ, 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 उनका सेवा स्थान उधर हो सकता है, सेवा स्थान उधर है, सेवा स्थान हो सकता है, जन्म नहीं होता है, जन्म थोड़ी है, सेवा स्थान हो सकता है, मना जो जिस दशा में दिया है उस दशा में सेवा करते हैं, माना वो उसी दिशा से आना ये तो जरूरी है नहीं है, माना अरे ईश्वर है तो सभी दिशाओं में सेवा करेगा कि एक दिशा में सेवा करेगा, मना आज से जो है तो अभी आज दशा उनसे आना ये तो जरूरी नहीं है ना बाबा, मना वो आज दशा उनसे दिशा में जो वहाँ जन्म लेना ये तो जरूरी नहीं है, सेवा स्थान उनका वो होगा जहाँ का सेवा स्थान, जहाँ जिस देश विशेष उन्होंने सेवा ज्यादा की होगी वहीं से उनकी प्रजा ज्यादा निकलेगी, इसका मतलब वो यूपी में ही जन्म लिया होगा सर, कितने किसकी बात कर रहे हैं, अगर यूपी में गया तो आखिरी जगह में यूपी में क्यों गए, तो यूपी में गया थी ना, नहीं बाबा ये यदि के आदि के बात है ना, हाँ यदि के आदि की ही बात है, अभी यदि के आदि की बात जो है जब फिर हैदराबाद से उठकर के दादा लेखराज कराची बोल नहीं कलकत्ते में पहुंच सकता है तो दूसरे देशों से उठकर के वहां नहीं पहुंच सकते कलकत्ते में, मना दक्षिण से जो भारत वाले भी पहुंच सकते हैं, पश्चिम वाले भारत वाले भी पहुंच सकते हैं, नेपाल वाले भी पहुंच सकते हैं, मना एक ही जगह में दो तीन भी रह सकते हैं, क्या बढ़िया